हेलो, वेलकम टू सिविल ई लर्निंग। आज का करंट अफेयर देखेंगे, उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो आज का करंट अफेयर है, महत्वपूर्ण करंट अफेयर, अमिताभ कांत को मिला एक और साल का सेवा विस्तार है, यानी अमिताभ कांत का जो टेन्योर था उसको एक साल और बढ़ा दिया गया है। जो नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो थे अमिताभ कांत, उनका कार्यालय 2 जून 2022 तक एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये अमिताभ कांत का तीसरा विस्तार है, जबकि उन्होंने सार्वजनिक नीति टैंक के थिंक टैंक का कार्यभार संभाला है। जो नीति आयोग है उसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जो दिशात्मक और नीति इनपुट प्रदान करता है भारत सरकार के लिए रणनीतिक दीर्घकालीन नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने के अलावा। जो नीति आयोग है वो नीति आयोग केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रासंगिक तकनीक की सलाह भी प्रदान करता है। जो नीति आयोग के चेयरपर्सन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, और जो वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार, और जो CEO हैं वो अमिताभ कांत हैं, और जो फुल टाइम मेम्बर्स हैं वो तीन फुल टाइम मेम्बर्स है। पहला है श्री VK सरस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद और डॉक्टर VK पाउल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है अतुल केशव भारत में अंतरिम दूत। अतुल केशव को भारत में अंतरिम दूत नियुक्त कर पुराने विदेश विभाग के हाथ का भारतीय कनेक्शन है। भारत अमेरिका ने कैरियर डिप्लोमेट अतुल केशव को दिल्ली में देश का चार्ज अफेयर नियुक्त किया गया है, यानी अतुल केशव अमेरिका की तरफ से भारत में अंतरिम दूत हैं। इनको अमेरिका ने चार्ज अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है अदिति ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गोल्फर बनी। जो अदिति अशोक हैं उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी हैं। उन्होंने 45वें स्थान पर क्वालिफाई किया और वो अपने दूसरे ओलंपिक में खेलेंगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है US ने भारत को अतिरिक्त सहायता की घोषणा की। यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका ने भारत को कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने और भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने को तैयार रहने में मदद के लिए अतिरिक्त $41 मिलियन की सहायता की घोषणा की है। अमेरिका द्वारा प्रदान की जाने वाली कुल सहायता $200 मिलियन से अधिक हो गई है, यानी अमेरिका अब तक भारत का $200 मिलियन से अधिक सहायता कर चुका है। नेक्स्ट करंट अफेयर है मणिपुर के मुख्यमंत्री ने ओलंपियनों के लिए नगद पुरस्कार की घोषणा की। जो मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन, उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के जितने सभी 5 ओलंपिक खिलाड़ी हैं उनको 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, और अगर वो पदक जीत के वापस लौटते हैं तो उन्हें नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। जो मणिपुर के CM बीरेन सिंह, उन्होंने कहा कि स्वर्ण पदक विजेता को 1.20 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और जो रजत विजेता होगा उसको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तथा जो कांस्य पदक विजेता होगा उसे 75 लाख रुपये मिलेगा। मणिपुर के जो ओलंपियन हैं वो है सुशीला चानू जो हॉकी से रिलेटेड है, नीलकांत शर्मा जो हॉकी से रिलेटेड है, सुशीला निकबामम जो जूडो से संबंधित हैं, और एमसी मैरीकॉम जो मुक्केबाजी से संबंधित हैं, और सैफोम मीराबाई चानू जो भारोत्तोलन से संबंधित है। ये सभी जो 23 जुलाई से टोक्यो में ओलंपिक शुरू हो रहा है उसमें भाग लेने जाएंगी। नेक्स्ट करेंट अफेयर है जम्मू कश्मीर LG मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया हौसला। जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने एक हौसला लॉन्च किया है। तो घाटी में महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास में जम्मू कश्मीर में LG मनोज सिन्हा ने एक हौसला लॉन्च किया है। यह जो योजना है इस हौसला योजना के तहत विकास ये हौसला योजना वहाँ के विकास को प्रेरित करते हुए शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य जो जम्मू कश्मीर के अनुशासित प्रदेश में जो महिला उद्यमिता है उनको बढ़ावा देना है। इस योजना का और उद्देश्य है कि महिला उद्यमियों के लिए एक कार्यक्रम तैयार करना जो उनके व्यवसाय को सफलता प्राप्त करने और
उनके व्यावसायिक उत्पादों सेवाओं की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए मार्गदर्शक प्रदान करेगा। नेक्स्ट करेंट अफेयर है, विश्व बैंक बांग्लादेश को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। जो विश्व बैंक है वो विश्व बैंक वो 20 जिलों के लगभग 75,000 गरीब और अत्यंत गरीब ग्रामीण लोगों की गरीबी से बाहर निकलने और कोविड-19 महामारी के प्रति लचीलापन बनाने में मदद करने के लिए विश्व बैंक बांग्लादेश को लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास, जो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर्स है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, जो विश्व बैंक है उसको फाउंडेड किया गया जुलाई 1944, ब्रिटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट। और जो इसके सब्सिडीज हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट MORE, और जो इसके फाउंडर है जॉन मैनार्ड कीनेस एंड हैरी डेक्स्टर वाइट। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सीमा पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। जो डिस्कस थ्रो सीमा पुनिया है, जो 2018 में जकार्ता एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीत चुकी हैं, वो राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलीट चैंपियन के समापन के दिन 63.72 मीटर के स्वर्ण पदक विजेता थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए अपना टिकट बुक कर लिया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कैपेक्स पर 6वीं समीक्षा बैठक आयोजित। जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण हैं, उन्होंने कैपेक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रोडमैप पर 6वीं समीक्षा बैठक की। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण ने कहा कि वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट में 5.5 लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया, जो 20-21 के बजट के अनुमान से 34.5% अधिक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सुकून पहल शुरू। लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और दूर करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तथा सूचना और जनसंपर्क विभाग जम्मू कश्मीर ने एक सुकून पहल शुरू की है, जो कोविड-19 बीट द स्ट्रेट शुरू की है। कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा दूरदर्शन काशीर चैनल पर, जिसके दौरान मनोचिकित्सक प्रख्यात डॉक्टर और वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर अपने ज्ञान को साझा करेंगे और मन की चिंता मुक्त कैसे रखें, लोक तनाव के स्तर को कैसे नियंत्रण करें, ये सब इसमें दिखाया जाएगा। ये जो सुकून पहल है ये एक कार्यक्रम है जिसको दूरदर्शन के काशीर चैनल पर दिखाया जाएगा, जो कोविड-19 के दौरान स्ट्रेस को कम करेगा और जो भी मनोचिकित्सक और डॉक्टर वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक होंगे वो अपने ज्ञान को साझा करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, साहित्य का संग्रह नोरो को प्रस्तुत किया गया। हाल ही में संपन्न हुए संघाई सहयोग संगठन यानी SCO में भारत ने विभिन्न भाषाओं की प्रमुख भारतीय लेखकों द्वारा लिखित आधुनिक साहित्य के 10 क्लासिक कार्यों के अंग्रेजी रूसी चीनी अनुवाद प्रस्तुत किए। चीन ने भारतीय राजदूत चीन में जो भारतीय राजदूत हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने बीजिंग में SCO यानी संघाई सहयोग संगठन सचिवालय में SCO के महासचिव व्लादिमीर नोरोव को किताबें भेंट की। चूँकि जो SCO है उसमें 8 सदस्यीय आर्थिक और सुरक्षा ब्लॉक है, जिसमें विभिन्न देश आते हैं, जिसमें चीन, रूस, काजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च। भारत सरकार ने किसानों को कार्रवाई योग्य कृषि, अंतर्दृष्टि और शुरुआती मौसम अलर्ट प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर कृषि ऐप लॉन्च किया है। भारत सरकार ने मंगलवार किसानों को कार्रवाई योग्य कृषि, अंतर्दृष्टि और शुरुआती मौसम अलर्ट प्रदान करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन। मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा पीथमपुरा में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक NATTRACS यानी नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन देश के लिए गौरवान्वित हुआ। और है जो ऑटोमेटिव परीक्षण के लिए एशिया का जो सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है उसकी लंबाई 11.3 किलोमीटर है।
जो यह ट्रैक है यह एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक, दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा ट्रैक भी है। ये जो हाई स्पीड ट्रैक है, ये शहर के पीथमपुर शहर में हाई स्पीड ट्रैक का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल कंपनियों द्वारा ऑटोमोटिव और कंपोनेंट टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।